इस चुनाव के मौसम में मानो पार्टियों में शामिल होने की होड़ सी मची है। एक के बाद एक अभिनेता अब राजनीतिक दलों का साथ ले रहे हैं। अब की बार बीजेपी में भक्ति सनी देओल ने दिखाई है। मतदान के दौर के बीच सनी देओल ने बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में अभिनेता सनी देओल नेता बन गए। पिता धर्मेंद्र अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त बीजेपी में शामिल हुए तो अब मोदी राज में सनी देओल ने बीजेपी का हाथ थामा है। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो जो मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, दिल से करूँगा। बातें नहीं मैं बताऊँगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊँगा। पूरे औपचारिकता के साथ बीजेपी ने सनी देओल को पार्टी में शामिल कराया और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका स्वागत भी किया। सच अ ग्रेट हीरो हु हैज अ आर्टिस्टिक ब्लड रनिंग इन हिज फैमिली, आई एम वेरी प्लीज्ड टू वेलकम हिम इनटू दिस पार्टी। आल्सो बिकॉज वी आर बीइंग लेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन वेरी वेरी क्लोज to the issues related to our borders, issues related to our armed forces, issues related to how to keep this country's fame and glory high. एक नई पारी के लिए सनी देओल तैयार हैं और इसे लेकर बीजेपी के नेता भी काफी उत्साहित हैं और भरोसा भी पूरा है। श्री सनी देओल जी ने राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता के बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सनी देओल फिल्मों में सफल पारी खेलने के बाद अब राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सनी देओल अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ फ्रंट फुट पर है। इस चुनाव में वैसे बॉलीवुड के कई चेहरे नजर आ चुके हैं। कांग्रेस ने मुंबई से छैया छैया गर्ल उर्मिला मातोंडकर को चुनाव में उतारा तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर से जया प्रदा और मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया। और अब बीजेपी में एक और अभिनेता नेता बन चुके हैं।